नमस्कार, मेरा नाम आर्यन संतरा, मैं यहाँ वेस्ट बंगाल पूर्व मिदनापुर के रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं फतेहगढ़ में आर्मी में कार्यरत हूँ। मेरा 2021 जनवरी में शुगर डिटेक हुआ था, फिर इधर अगस्त 8 तारीख को आया था। इधर आके मैं देखाया, इधर फर्स्ट में मेरा एलोपैथिक दवाई चला था, धीरे धीरे डॉक्टर साहब जो है जो आयुर्वेदिक दवाई दिए थे, और धीरे धीरे जो वो दवाई छूटा, फिर आयुर्वेदिक दवाई चलते रहा। 5 महीने टोटल में आयुर्वेदिक दवाई खाया, और अभी 1.5 महीना से मेरा दवाई बंद है। फिलहाल अभी मतलब अभी सब कुछ खराब होने के बाद मेरा 100 के पास आसपास मतलब शुगर नॉर्मल रहता है, और अभी कोई मेरा शरीर में कोई दिक्कत है नहीं, और मैं खूब मतलब अभी खुद को मतलब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और इधर डॉक्टर आज आया हूँ, ब्लॉक करने के लिए बुलाया गया मेरे को, और ब्लॉक करने के लिए आज दवाई पिलाया गया, और साहब ने बोला है जो नॉर्मल तरीका से खड़ा खाने से कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सुधीर कुमार राय, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। मुझे डायबिटीज 4 महीना पहले हुआ था, उसके बाद से हमारा जिस वक्त डायबिटीज़ का रिपोर्ट था 258 था इनिशियली, उसके बाद से हम लोगों ने पता किया। इनका नाम बहुत पहले से मालूम भी था, फिर तुरंत हम इनके पास आए, इलाज कराए, और 4 महीना तकरीबन दवाई खाए। खाने के बाद आज के डेट में मेरा 1 महीना से दवाई छोड़े हुए हैं, उसके बाद से टेस्ट जो कराए हैं तो 140 आया है। अभी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है, पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, और डॉक्टर साहब का इलाज से हम पूरी तरह से